आज हम आपको सलवार काटने की आसान तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमें बेल्ट की लंबाई लेनी है। देखिए इस तरह से 8 इंच है, 2 इंच ज़्यादा करेंगे 10 इंच हो गया। बेल्ट की लंबाई अब हमें नापनी है, 20 इंच है। अब इस कपड़े को इस तरह से दबोर लेना है, देखिए इस तरह। बीस इंच है तो हमें 21 इंच रखनी होगी, 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। 8 इंच है तो 10 इंच बेल्ट काटना है। इसे काट लेंगे। अब इसे इस कपड़े को इस तरह से दबोर लेंगे। बेल्ट से नीचे की जो भाग होता है ये जोड़, उसे लंबाई लेनी है, 31 इंच है। इस तरह से दबा लेंगे। देखिए इस तरह से है 4 पाला। इस तरफ से 2, हमें लंबाई लेनी है। लंबाई 31 इंच है तो 31 इंच पर चीना लगा देंगे। इस तरह से हो गया। अब मोहरी का लंबाई लेनी है, कितना है, 7.5 इंच। इस पर इस तरह से चीना लगा देंगे। 2 इंच ज़्यादा रखेंगे नीचे की ओर। इसे भी इस तरह से 1.5 इंच रखेंगे ज़्यादा। तेरह इंच यहाँ पर रखेंगे। इसे इस तरह से पार लेंगे और इसे इस तरह से चीना लगा देंगे। अब इसे काट लेंगे। हो गया। देखिए इस तरह से 13 इस पर चीन लगा देंगे और 6 इंच चौड़ाई रखेंगे। 8 इंच लंबाई रखेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। ऐसे इस तरह से काट लेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। इसे सीने का तरीका पार्ट 2 में बताऊंगी।